हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड इस वीडियो में SSC GD वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपके ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 57,000 सिपाहियों की भर्ती करेगा SSC। फ्रेंड्स, जो भी आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, आज ही की डेट का है, बुधवार 13 जून 2018। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये न्यूज़पेपर पूरा का पूरा रीड करके बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और आपकी एज इसमें क्या मांगी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD 2017, CRPF, ITBP, BSF, CRPF, SSB और असम राइफल में सिपाही के लिए खाली हुए 56,717 पदों पर जल्दी भर्ती करेगा। मतलब फ्रेंड्स, जब अभी हाल ही में वैकेंसी आने वाली है, 56,717 वैकेंसी आएंगी। ठीक है एंड फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हैं, इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच रखी गई है। इसमें आपको ओनली 10th पास होनी चाहिए, आपसे और इसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। एंड आपकी जो एज है फ्रेंड्स, में 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और फ्रेंड्स जो SC ST से हैं उनको इसमें एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे इस महीने के अंत तथा कॉन्स्टेबल GD 2017 के लिए आवेदन जारी कर दिया जाएगा। SSC की बड़ी परीक्षाओं में से एक कॉन्स्टेबल GD में शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होने के कारण इस परीक्षा में 35 से 40 लाख परीक्षार्थी दावेदार होते हैं। मतलब फ्रेंड्स, इसमें लगभग 35 से 40 लाख समथिंग कुछ लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, हर साल, ठीक है, जब भी वैकेंसी आती है। ये आयोग के कैलेंडर में कांस्टेबल GD 2017 के लिए पदों की घोषणा फरवरी में होनी थी। पूर्व में आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए 13 जून से 7 जुलाई 2018 का समय तय किया था। मतलब फ्रेंड्स, ये आज ही कल में ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होने स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर इनकी डेट ओनली आज की थी, बट फ्रेंड्स ये कुछ प्रॉब्लम के अनुसार तो कुछ हुई अप्लाई हो नहीं पाए आज या आज से। तो फ्रेंड्स, आज कल में ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे अब आवेदक मांगे जाने में देरी के चलते परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राव सचान ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा को लेकर कुछ तकनीकी बदलाव के चलते आवेदन में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आवेदन जारी होंगे। सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक मानकों की जांच, मेडिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता की जांच होगी। ब्यूरो। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये सब पूरा पढ़ के बताया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका आपकी बार इसमें होना, आपका फर्स्ट में पक्का PST नहीं होगा एंड आपका पहले रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी आज कल में ये फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, आप इसे अप्लाई कर सकोगे आज या कल से। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप न्यूज पेपर देख रहे हैं आज ही का है। ठीक है, कोई ये फेक न्यूज नहीं है, एकदम रियल न्यूज है फ्रेंड्स। ठीक है, आज कल में ही आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।